रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन मेरे सबसे नेड़े वो होगा जो सबसे ज्यादा मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है। तो जितना दरूद हुजूर पे ज्यादा पढ़ोगे कयामत के दिन उस कदर हुजूर की कुर्बत नसीब होगी और हुजूर की चादर रहमत की ठंडी छांव मिलेगी, जामे कौसर नसीब होंगे। और जहां हुजूर होंगे वहां कयामत के दिन की सख्तियां नहीं होंगी, वहां दामने महबूब की ठंडी हवाएं होंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद पढ़ना यकीनन ये दुखों को दूर करने का इलाज है और ये दुनिया आखिरत की बेहतरियों की जमानत है।